अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, 9:43 हो रहा है और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। मैंने अभी बारिश रुकी हुई है, अभी बारिश नहीं हो रही है, रात भर बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। तो मैं उठकर सबसे पहले मैंने मोटर ऑन किया, उसके बाद मैंने बोतल भरी। देखिए बोतल भरा मैंने और टंकी भी भर गया। अब मैं विनाइल को उठाती हूँ। विनाइल रात में बहुत लेट सोई है लेकिन अब उठ रही है, तो मैं अब उसके नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले तो इसे ब्रश कराती हूँ, इसे फ्रेश कराती हूँ, उसके बाद इसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाहिल, बारिश फिर से शुरू हो गई है, रात भर हुई है, थोड़ी देर के लिए रुकी थी। और मिनाहिल तो बहुत खुश होती है बारिश को देखकर, वो कह रही है मुझे नहाना है, गेट खोलो। चलो चलो पहले बाथरूम चलो बाथरूम। मैंने खुद के पीने के लिए पानी गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए दूध रखा है और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने पानी गर्म कर लिया है, अब मैं उसमें लेमन स्क्वीज कर लेती हूँ। छोटा टुकड़ा लिया है मैंने लेमन का, तो मैं उसे अच्छे से स्क्वीज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी डालती हूँ अपने अंदाज से। हनी और लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा है और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं कभी चिया सीड्स पीती हूँ और या तो कभी विनेगर पीती हूँ और या कभी हनी और लेमन पीती हूँ। तो आज मैं हनी और लेमन पी रही हूँ और इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। देखिए चाय बन गई है, ये लास्ट रोटी है और मैं नाश्ता करा कर मिनाइल को, ये पूरा गंदा हो रहा है देखिए किचन, तो मैं इन सबको साफ कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने घर झाड़ लिया है, साफ कर लिया है, अब मैं घर पोछ लेती हूँ। देखिए फ्रिज के ऊपर ये कितना बिखरा हुआ है, मैं इसे साफ कर लेती हूँ। मैंने घर पोछ लिया है, अब मैं किचन साफ करते करते ही दाल भी चढ़ा लेती हूँ। तो ये तुअर की दाल है, मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। मैंने दाल अच्छे से वॉश कर ली है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं और अरहर भी कहते हैं। तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और नमक डालने के बाद मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ और अब इसे बंद करके हमें इसमें 3-4 सीटी लगाना है, उसके बाद फिर मैं इसे भगा दूँ। अब मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ, साथ साथ मैं किचन भी साफ कर लूँगी, किचन बहुत गंदा हो रहा है।
अब मैं चावल चढ़ा लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने डेढ़ ग्लास चावल लिया है, तो उसके लिए मैं स्टीम राइस बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 3.5 ग्लास पानी डाल दिया है। ये बासमती का 2 टुकड़ा चावल है, तो मैं यही बनाती हूँ, यही खाती हूँ। तो ये स्टीम होकर पकता है, मुझे इसका पानी निकालना ही पड़ता है। तो जब तक इस पानी में बॉईल आए, मैं चावल को वॉश कर लेती हूँ, उसे हमें बंद कर दें। अभी देखिए दाल में भी सीटी लग रहा है, बस 3 सीटी हो जाए तो फिर उसके बाद में मैंने दाल चावल चढ़ा लिया है, घर भी साफ हो गया है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं क्या सालन बनाऊं, क्योंकि चिकन भी खा रही हूँ उतने दिन से, और फिर मैं नाहिल से कुछ सब्जी खाती भी नहीं है, तो मैं उसे दाल चावल भी खिलाऊंगी, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ सब्जी। पानी गर्म हो गया है, मैं इसे 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। पानी गर्म हो गया है, मैं इसमें राइस डाल देती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा बस ऑयल डाल देती हूँ, और इसे अभी इसका एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं फ्लेम को कम करके इसे ढक दूंगी। तो दाल भी हो गया है, 3-4 सीटी लग चुका है, तो इसे मैं ऑफ कर देती हूँ। चावल में भी बॉयल आ गया है, तो मैं फ्लेम को कम कर देती हूँ और इसे आधा ढकती हूँ, वरना ये गिरने लगेगा। हो गया इधर सब। अब मैंने रात में ना काबली चना भिगो कर रख दिया था, देखती हूँ मैं इसका क्या बना लेती हूँ। थोड़ा ही बचा था तो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से फूल चुका है। अब देखती हूँ इसका क्या बनाती हूँ। मैं भी समेट लेती हूँ, उसे स्टैंड पे लगा लेती हूँ। सीधे करिए ना, हम कर सकते हैं। ये प्लेट में नाहिल के लिए है, देखिए बहुत तेज बारिश, नीचे बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई है। हाँ मिनाही, बारिश हो रही है। देखिए सब कुछ साफ हो चुका है, लेकिन मिनाही ने फिर से अपना खिलौना ये कर लिया है, और चावल भी हो रहा है, किचन भी साफ हो गया है। अब मैं दाल को, दाल गल चुका है, इसका पानी सूख गया है। अब मैं इसको अच्छे से
हम तो इसे घाटना कहते हैं, इसे अच्छे से घाट लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डालती हूँ, लेकिन मैंने आज नहीं डाला, मैं भूल गई डालना। बस हल्दी, नमक और टमाटर डालती हूँ। इसमें हरी मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन मिनाहिल को फिर तीखा लगता है, वो नहीं खा पाती, इसलिए मैंने आज नहीं डाला। तो मैं इसे अच्छे से घाट लेती हूँ। ये बिल्कुल सूख गया था तो मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। पानी डालने के बाद मुझे कितना इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, गाढ़ी रखनी है या पतली, तो मैं ज़्यादा पतली मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी गाढ़ी रखूँगी। ये छिलके वाली तुअर की दाल है, मैं बिना छिलके वाली भी लाती हूँ, और लेकिन ये मुझे किसी ने गांव से लाकर दिया था। मैंने दाल में पानी डालकर इसे एक बार बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसके बाद मैं फिर इसे बघाड़ने के लिए रखूंगी। तो बघाड़ने के लिए मैंने टमाटर लिया है, और ये प्याज लिया है, ये थोड़ी सी लहसुन है, और ये करी पत्ती है। तो मैं इसमें डेली बनाती हूँ तो अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी। इसे मैं अच्छे से चला लेती हूँ। अब हम इसे, इसमें ज्यादा पानी नहीं है तो ये इसमें स्टीम में पक जाएगा, तो हम इसे पूरा ढक देते हैं कि थोड़ी देर में गल जाएगा। वैसे तुअर की दाल में टमाटर साथ में सम टमाटर ज्यादा रहने से अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं पता नहीं कैसे भूल गई, तो इसलिए मैं अभी इसमें तड़का लगाने के वक्त टमाटर डाल देती हूँ। मैं लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, इसलिए मैं अभी इसमें दो ही लहसुन का जबड़ा डाल रही हूँ। दाल में बॉईल आ गया था तो मैंने इसमें तेल डाला है, और मैं इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज और लहसुन साथ में डालती हूँ, और थोड़ा ही साथ साथ थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से चलाना है। मैंने फ्लेम को कम किया है वरना ये जल जाएगा तुरंत। मैं इसमें टमाटर और करी पत्ती साथ में डाल रही हूँ अभी से अच्छे से, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए इसे पकाना है, फिर हम इसमें दाल डालें। ये हो गया, अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। दाल को मैंने बॉईल कर लिया था और अब इसमें मैंने कर लिया, अब इसे भर देती हूँ। बस चावल भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। ये चावल रेडी हो गया है, मैं अभी थोड़ी देर में फ्लेम ऑफ करके इसे गर्म कर लूँ। हम लोग जा रहे हैं शाम में मिनाहिल को लेकर ग्राउंड। आज बारिश रुकी हुई है इसलिए आज मैं इसे लेकर बाहर आ गई, वरना तो ये घर पे परेशान हो जाती है बिल्कुल। अभी हम लोग इसके दादी के घर पे जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। अरे यार, रात के लिए मैं कुंदरू की भाजी बना रही थी, तो मैंने कुंदरू लेकर धोकर काट लिया था। मिनाहिल मोबाइल देख रही है तो मैं उसके लिए रोटी बनाने लगी थी। फिर मैंने कुंदरू में पहले तेल डाला, फिर प्याज डाला, फिर कुंदरू डाला और नमक और हल्दी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं डाला। तो मैं रोटी बना लेती हूँ, मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ और मिनाहिल के लिए भी बना रही हूँ। तो मिनाहिल तो बिना खाए ही सो गई थी, वो मोबाइल देखते देखते कार्टून देखते देखते ही सो गई थी। तो मैंने रोटी बना लिया था और ये मैंने फ्लेम कम करके कुंदरू को ढक दिया था तो वो उसमें ही गल गया, और जब उसे गल जाने के बाद फिर उसे मैंने अच्छे से भूना तो वो भूनने से और टेस्टी लगता है। तो रात का डिनर आज का मेरा यही था। रात के 11 बजने वाले हैं और मिनाहिल सो रही है। अब मैं जा रही हूँ बेड लगाने के लिए और उसे अच्छे से सुलाने।
वो तो मोबाइल में देखते देखते ही कार्टून सो गई थी। मैंने बेड लगा लिया है, मिनाहिल को भी सुला दिया है। मैं एसी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन अंदर बहुत गर्मी है। ये एसी लगाने की वजह से ये सब मैंने पैक करवा लिया है, इसके वजह से गर्मी बहुत हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बारिश से। अगर ये खुला होता तो रूम ठंडा हो जाता। मिनाहिल को सुलाकर अब मैं जा रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी बनाने। वैसे तो मैं डेली नहीं पीती हूँ लेकिन आज मेरा मन हो रहा है, कभी कभी पी लेती हूँ या कभी कभी मन नहीं होता है मेरा। तो ये पानी गर्म हो गया है और मैं इसे कप में डाल लेती हूँ। ये ग्रीन टी है, मुझे मेरी आंटी ने दुबई से लाकर दिया था, तो मेरे पास बहुत सारी है तो मैं पी रही हूँ। और मुझे आज लेमन डालकर पीने का मन हो रहा है, ऐसे तो मैं कभी डालती नहीं पर आज मन हो रहा है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।